मामला ये था कि रात में ये गरीब ड्राइवर कवा से खड्डी की गाड़ी पीओपी की भर के कैलाश इंटरनेशनल के पास में आया, तो बारिश का मौसम था, तो उसने सोचा कि पहले मेरी रोजी रोटी है ऊपर तिरपाल डाल दूं। तब तक वो तिरपाल डाल रहे थे, तब तक पुलिस वाले सिविल वर्दी में थे, सिविल गाड़ी लेके आए, तो उनको शक हुआ या कुछ हुआ वो जाने, उनका काम जाने, शराब पिया हुआ था। जैसे ही गाड़ी रुकवाई, पूछा क्या है अंदर, तो उसने कहा गाड़ी में खड्डी भरी हुई है। तो उसने कहा कि कैसे है, तो कि साहब ऊपर आके देख लो। यूं ही कहना हुआ कि उनके अंदर से पता नहीं क्या उठा, शराब पिया हुआ था, तो गुस्सा आया, क्या हुआ, उसको लेके पीटने लग गए। तब तक दो चार वो पास में थे, उनके घर वही पास में ही था, तो वो भी आए, तो उनके साथ में पीटने लग गए। तब वो जा कूद के घर में घुसे, तो पीछे ये दो पुलिस वाले थे, ये पीछे घुसे, उनके साथ मारपीट की, घर में घुसे, लेडीज़ के साथ गाली गलौज की। इससे ज़्यादा तो करते क्या कर सकती पुलिस, जिससे उम्मीद होती है कि भी जब काम पड़ेगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे। अगर पुलिस ही ऐसे मौक़ों पे ऐसे करने लग जाती है, फिर हम ये गरीब लोग किससे न्याय की उम्मीद करेंगे। ऐसे गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, वो बहुत गलत है। उसके बाद में हमने माननीय राजस्व मंत्री से संपर्क किया, तो हम आभार जताते हैं उनका कि उन्होंने हाथों हाथ SP साहब से बात की, जो भी हुई कार्रवाई हुई, और SP साहब का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि अभी हम उनसे मिले तो उनको कहा, ये इनके पिताजी है उनके जिसके साथ मारपीट हुई, तो उन्होंने पूरा आश्वासित किया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सामाजिक तौर पे गरीब लोगों के साथ जो हो रहे अन्याय के खिलाफ हम खड़े होंगे, और ये जो अन्याय हो रहा है ये अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। पुलिस वाले सदर थाने में जो पीड़ित ने जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या था और क्या मामला था पूरा? परसों रात को पुलिस थाना सदर के अंदर कोई सूचना मिली थी कि कोई ट्रक है उसमें अवैध शराब है। इसने की सूचना में गश्त के अंदर जो वहाँ पे पुलिस जाता था वहाँ पर गया, तो मौके पर जाने के बाद जब उन्होंने तलाशी लेने का प्रयास किया तो उन लोगों ने विरोध किया। विरोध करने पर आपस में उनके दोनों तरफ से धक्का मुक्की जैसा हो गया। इस बात पर उनको ला के 151 में बंद किया। इस बात की सूचना में कल मिली और वो लोग मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आए, तो मैंने तुरंत उसकी जांच के लिए जो यहाँ वरिष्ठाधिकारी पाठ मेरे उनसे जांच करवा रहा हूँ, और वो जो तीन जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनका पुलिस लाइन में हमने ऑर्डर कर दिया पुलिस लाइन के लिए, और इसमें गहराई से सारी तथ्यों को देखेंगे, किसने सूचना दी, क्या हालात बने, तो आस पड़ोस के जो लोग हैं और पीड़ित हैं उनका मेडिकल वगैरह करवाकर जो भी सही जो कार्रवाई होगी हम करेंगे, और किस तरह की कोई अगर उसमें हमारे जो स्टाफ के द्वारा किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। महिला कांस्टेबल नहीं था फिर भी उनके घर में घुसकर इस तरीके से महिला के साथ मारपीट हुई, जो मारपीट सिविल में थे और सिविल ऐसा है, वो सारा जांच में सारे तथ्य जैसे भी आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। पुलिस का मेडिकल करवाए? नहीं, पुलिस का मेडिकल तो अभी नहीं, तो वो तो दूसरे दिन, ये तो बात ही कल पता लगा, ये तो परसों रात के वो लगा रहे हैं, तो अब उसका एक डेढ़ दिन बाद में कैसे कराया जा सकता है। बाकी फिर भी सीओ को हमने पूरी जांच 16 घंटे में थे, मान लो शाम को 5 बजे आपके पास आ गए थे। नहीं, उसका शराब का मायना का बारे में उन्होंने एलिगेशन लगाए, तो वो जांच कर रहे हैं, जांच में जो सब चीजें मारपीट का है मेन उसमें, तो उस चीज देखेंगे, और शराब वाली पे बात अगर तथ्य प्रमाणित होते तो उसमें